प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर, नव प्रवर्तनक, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 अन्य प्रदर्शनकारियों ने दोबारा हिरासत में लिए जाने के बाद अपना अनिश्चितकालीन अनशन बुधवार को भी जारी रखा है। कहा कि शांति और लोकतंत्र को प्रदर्शित करने वाले दिवस गांधी जयंती पर उनके अधिकारों को कुचल दिया गया है। इस बहस के बीच लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि सोनम वांगचुक और 150 अन्य प्रदर्शनकारी लद्दाख से दिल्ली के बीच की 1000 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर दिल्ली क्यों आए, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते। शुरुआत करण से करते हैं और आखिर तक चलते हैं। सोनम वांगचुक दिल्ली चलो पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे जो 1 महीने पहले लेह से शुरू हुई थी। उन्हें बीती सोमवार की रात हिरासत में लिया गया, जिसके बाद से उनको लेकर सियासत का बाजार भरपूर गर्म है। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेह एपिक्स बॉडी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। पहले सुनिए कि दिल्ली पहुंचे लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में विपक्ष के नेता तेसरिंग नामग्याल ने सोनम वांगचुक से मुलाकात कर क्या कहा। चाहिए और मैं पूछना चाहता हूं उनके हेल्थ के बारे में, उनके सेहत के बारे में, और हमारे जितने भी लोग इस थाने के अंदर जो हैं उनसे मुझे थोड़ा 5 मिनट का मुझे समय दिया जाए, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने ये गुजारिश की, मुझे मिलने नहीं दिया सर। हाँ जी, तो आप लेह से सिर्फ मिलने के लिए आए थे? हाँ जी, मैं लेह से मिलने के लिए आया हूँ उनसे। जो हमारा ये यात्रा जो चल रहा था, जो 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ, आज गांधी जयंती के अवसर पर हमें ये राजघाट पर हमें इकट्ठे होना था, तो आपको मालूम है तो किस्सा सबको सबके सामने है। तो ये एक जो घटनाक्रम जो दिल्ली प्रशासन और केंद्र सरकार ने जो किया, मैं हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे लोग पीसफुल तरीके से एक संदेश लेकर आ रहे थे। लद्दाख के लोगों की आवाज़ को सुननी चाहिए, जो लद्दाख के कुछ मांगे हैं और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जो एक आवाज़ को लेकर चल रहे थे। 1000 किलोमीटर पैदल चलना आसान बात नहीं है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ों से बात हुई आपकी? मैं फ़ोन पे हमारा गुफ्तगू हुआ, फ़ोन पे बातचीत हुआ एक दो जगह से, क्योंकि कल शाम को उन्होंने फोन भी इस मुद्दे का वर्चस्व इतना है कि खुद दिल्ली सीएम आतिशी सोनम वांगचुक से मिलने नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया। के बाद आम आदमी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपने कहा कि शायद एलजी की कॉल दिल्ली पुलिस के पास आ गई होगी, इसलिए सीएम आतिशी को सोनम वांगचुक से नहीं मिलने दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि एक जलवायु कार्यकर्ता से दिल्ली में बैठा हुआ तानाशाह डर गया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरने का काम किया। सख्ते में आई सरकार सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 अन्य प्रदर्शनकारियों को छोड़ने पर विचार कर रही, क्योंकि अब सोनम वांगचुक के खेमे को मशहूर किसान नेता राकेश टिकैत का भी समर्थन मिल गया। जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तब तक सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ा गया। खैर, अब हम आपको ये बताते हैं कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 अन्य प्रदर्शनकारी दिल्ली क्यों आए, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ गई है जो उन्हें लगभग 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ी। ये यात्रा इतनी कठिन रही कि प्रदर्शनकारियों के पैरों में गहरे गहरे घाव हो, लेकिन फिर भी वे दिल्ली आए। दुर्भाग्य ये है कि अपने मकसद को पूरा न कर सके। हमने जब इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर इस पद यात्रा का आयोजन किया, जो पिछले 4 साल से लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने, लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, इसके अलावा लेह और कारगिल जिलों में अलग लोकसभा सीटों की मांग और भी कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, और इस संगठन का मुख्य चेहरा सोनम वांगचुक बने हैं। इस पद यात्रा की पहली और सबसे मुखर मांग जो है वो है लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाना। हमने जब ये पता किया कि भारत सरकार ने अभी तक लद्दाख को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, तो हमें पता चला कि इसके पीछे कई कारण है। लद्दाख के निवासी अपने क्षेत्र के विकास और स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। लद्दाख की विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। यहाँ की जनसंख्या में अधिकांश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और उनकी अपनी विशिष्ट
सांस्कृतिक परंपराएं हैं। लद्दाख के निवासी राज्य का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए निर्णय ले सके और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सके। जो बातें लद्दाख की मांगों में प्रमुखता से शुमार है, अब वो भी हम आपको बता देते हैं। नंबर एक, लद्दाख के निवासी छठी अनुसूची में शामिल होना चाहते हैं, जिससे उन्हें विशेष अधिकार और संरक्षण मिल सके। नंबर दो, लद्दाख के निवासी अपने क्षेत्र में स्वायत्तता चाहते हैं ताकि वे अपने विकास के लिए निर्णय ले सके। फिलहाल ये एक विकराल मुद्दा है, इसलिए तत्परता दिखाते हुए सरकार ने सोनम वांगचुक को अपनी कैद में लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी दस्तक दे चुका है। मिली जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक को कुछ अन्य लोगों के साथ बवाना थाने में रखा गया है, जबकि अन्य को नरेला औद्योगिक क्षेत्र अलीपुर और कंझावला के थानों में रखा गया है। सरकार इस पूरे मुद्दे पर किस करवट बैठती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिया है, आपके लिए जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।